hello students how are you i hope you all will be fine i am pankaj and today i am here to teach you the third chapter of your english book honeycomb of class 7 the name of the chapter is gopal and the hills of Fish. it is a very funny story written in a comic style before we read this story let me introduce you with the characters of the story the first character, Gopal. Gopal is a very important person in this story because all the story is revolving around him. He was an important person in the court of Raja Krishnadevaraya. He was a Bengali person. The second character, Gopal's wife. The third character, the king. That means Raja Krishnadevaraya. And at last, the character is courtiers you know, courtiers, the advisors of the king. as you know, this is a comic story. it will be understood through pictures with a strips and uh, text for support. it is also written in a cartoon way. i think you all love cartoons. okay, let's start to learn the story. it was the season for hill surface. यह समय जो था वह हिल्सा फिश का था हिलसा एक मछली का नाम है जो खास करके विशेष करके आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती है फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिलसा फिश जितने भी मछुआरे थे वह सभी सिर्फ और सिर्फ हिलसा फिश के ही बारे में सोच रहे थे फिश मोंगर्स सोल नथिंग बट हिलसा फिश यहाँ तक कि जो मछली बेचने वाले थे वो भी सिर्फ क्या बेचते थे हिल्सा फीस ही बेचते थे कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टू आओ हिल्सा का दाम आज बहुत गिर गया है यानी उसका मूल्य जो था उस दिन कम हो गया था हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश घर वाले जो थे सिर्फ हिल्सा फीस से ले जा रहे थे हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए यू डोंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू आपको विश्वास नहीं होगा यदि मैं आपको बताऊंगा एंड इन द पैलेस टू द क्वारियर्स को डिस्कस नथिंग बट द हिलसा फिश और यहां तक की राजमहल में भी जो भी व्यक्ति था वो सिर्फ हिल्सा ही फिश के बारे में बात कर रहा था यूर मजेस्टी यू शुड है ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज वहां से क्या आपने इतनी बड़ी मछली देखा जो मैंने आज पकड़ी अस्टॉप इट आर यू क्वारियर्स और ए फिशरमैन राजा जो था वो बोला तुम दरबारी हो या मछुआरे हो द कोट्रियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज पूरे दरबारी जो थे उनकी आंखें झुक गई द किंग फेल्ट गिल्टी राजा को दुख हुआ आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन मुझे इस बात का दुख है मैं अपना आपा खो दिया था क्योंकि ये हिल्सा फिस का समय है इसीलिए सब लोग हिल्सा फिस के बारे में बात कर रहे हैं कोई जो है वो दूसरा बात नहीं कर रहा है नॉट इवेन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिलसा फीस नॉट इवन फॉर फाइव यहाँ तक कि गोपाल को भी कोई नहीं रोक पा रहा था हिलसा फीस के बारे में बात करने से सिर्फ पांच मिनट के लिए भी नहीं ओह आई थिंक आई कूड आई कुड योर मजेस्टी मैं सोचता हूँ वहां से देन लेट मी सी यू बाई अज हिलसा एंड ब्रिंग इट टू दैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट तो एक काम करो तुम जाओ और बाजार से एक हिलसा मछली खरीदो और बिना किसी से उसके बारे में बात किए तुम इसे राजमहल में लेकर आओ आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी मुझे आपका चुनौती स्वीकार है महाशय यानी राजा जो है कृष्णदेव राय वह गोपाल से चैलेंज लगाते हैं चुनौती देते हैं कि यदि तुम किसी को हिलसा के बारे में बात करने से रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ तुम्हें बाजार से एक बड़ी हिलसा मछली खरीदनी है और लेकर जब आना है तो रास्ते में कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए कोई भी हिलसा फीस के बारे में बात नहीं करेगा तभी मैं समझूंगा कि तुम बुद्धिमान हो और गोपाल जो है वह क्या करता है वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है अ फ्यू डेज लेटर और कुछ दिन के बाद वाई इज योर फेस हाफ सेवन गोपाल की पत्नी जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं पूछती है ये तुम्हारी आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश मैं एक मछली तैयारी खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ वाट्स द मैटर विथ यू वाई आर यू एसमिंग योर सेल्फ विथ एस ये तुम्हें क्या हो गया है तुम अपने चेहरे पे ये राख क्यों लगा रहे हो गोपाल क्या कहता है आई टोल यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाईल मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्स मछली खरीदने जा रहा हूँ लिसन टू मी प्लीज यू कॉन्ट पॉसिबली गो आउट इन दोस्क्रेसफुल रैग्स What are आर यू to? उसकी पत्नी उसे रोकती है कि तुम्हें कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते हो हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू मैन आई एम नॉट आई एम आउट टू बाई यूज हिल्स ऑफिस गोपाल जवाब देता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं हिल्स ऑफिस खरीदने जा रहा हूँ इट्स हैपन टू हिम ही इज मैड उसकी पत्नी सोचती है आखिर इसे क्या हो गया है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है गोपाल बॉट द हिल्स ऑफ फिस एंड ए स्टार्टेड वॉकिंग टू आर द पैलेस गोपाल जो है एक बड़ी सी मछली खरीदता है और सीधे महल के तरफ चल देता है तभी रास्ते में मदर लुक एट दैट मन इज मैन इज द ही कॉमिकल माँ कोई बच्चा है अपनी माँ से कहता है उस इंसान को देखो कितना हास्यप्रद दिखता है ही मस्ट बी अ मैड मैन दूसरे लोग आपस में बात करते हैं अरे ये लगता है कोई पागल है स आई थिंक ही इज अ मैस्टिक मुझे लगता है कि ये मजिया है वेन गोपाल रिस् द कोट जब रोपाल गोपाल जो है वो महल में पहुंचता है वाट डू यू वांट तो वहां दरबार दरबारी जो है वो पूछते हैं वाट डू यू वांट क्या चाहिए आई वांट टू सी द किंग गोपाल कहता है कि मुझे राजा से मिलना है यू कान सी द किंग गेट अवे विथ यू दरबारी जो है उसे कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते हैं, जाओ यहां से गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली तभी गोपाल जो है वह जोर जोर से गीत गाना और नाचना शुरू कर देता है इनसाइड द पैलेस और तभी राजा महल के अंदर था उसने सुना और क्या कहता है द मैन इज क्रेजी वह इंसान पागल है थ्रो हिम आउट एट वंस उसे तुरंत उठाकर फेंक दो आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन तो गोपाल कहता है मुझे अंदर जाने तो मुझे राजा से मिलना है ब्रिंग डैट मैन टू मी एट वंस उसे अभी इसी क्षण उठा कर अंदर लाओ यस योर मजेस्टी द्वारपाल कहता है कि हाँ से गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है इट्स गोपाल अरे ये तो गोपाल है द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड अरे ये लगता है कि अपना दिमाग का संतुलन खो चुका है आई थिंक इट्स इट्स One of his crazy joke. मुझे लगता है कि इसका कोई पागल मजाक है ऑल राइट डिजाइन में स्टाइल में, में कपड़े क्यों पहने हो योर मेजेस्टी यू सीम टू महाशय मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं फॉरगेटन समथिंग भूल रहा हूँ कुछ एस्ट्रेंजली एनफ नोवन सिम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोच नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश माँ से देखिए आज किसी ने चाहे बाजार से लेकर महल तक यहाँ तक यहाँ आने पर भी किसी ने इस हिल्सा के बारे में बात नहीं की ओनली दैन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैज थ्रोन ऑन टू गोपाल तब राजा को अपनी चुनौती याद आई जो इसने गोपाल से किया था हा वेल गोपाल कंग्रेचुलेशन गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया यानी गोपाल जो था वह राजा से चुनौती किया था शर्त लगाया था राजा से कि वो मछली खरीद के लाएगा और उसके बारे में कोई नहीं पूछेंगे तो गोपाल अपने आप को इस तरह से ड्रेस किया रहता है आधी दाढ़ी बनाया रहता है उसके बाद से चेहरे पे राख लगाया रहता है ऐसे कपड़े पहनता है कि कोई मछली की तरफ ध्यान नहीं रखता है बल्कि सिर्फ लोगों का फोकस जो होता है गोपाल के तरफ होता है इस तरह से वह सीधे महल पहुंचता है और राजा की चुनौती को क्या कर देता है पूरा कर देता है तो ये था आपका कॉमिक स्टाइल में आप लोग पढ़ते होंगे कॉमिक भी पढ़े होंगे अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं इज योर क्वेश्चन सेंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द गोपाल वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफिस राजा जो था हिल्साफिस के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करना चाहता था आंसर द किंग वॉज फेड ऑफ टॉक ऑफ हिल्साफिस इट वॉज सीजन ऑफ हिल्साफिस एंड एवरी वन वॉज बाई इन टॉकिंग ऑफ इट बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट मोर एवर ही डिड नॉट वांट हिज कोटियस टू वस्ट द टाइम वेस्ट द टाइम ऑन दिज टॉक्स वाई डिट गोपाल आस्क टू डू टू प्रूव डैट ही वॉज क्लेवर राजा ने गोपाल से क्या करने को कहा ताकि पता चले कि वो बुद्धिमान है द किंग आस्क गोपाल टू बाई एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश थ्रो आउट द वे टू प्रूव डेट ही वॉज क्लेवर द नेक्स्ट क्वेश्चन वाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई हिज फिश गोपाल वह कौन सा तीन काम किया मछली खरीदने जाने से पहले गोपाल हाफ सेव्ड हिज बियर्ड ए हिमसेल्फ विथ एस एंड वो डिसग्रेसफुल रैक्स बिफोर इवेंट टू बाई हिज हिल्स ऑफिस हाउ डिड गोपाल गेट इन साइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉड द फिस वेन गोपाल आर्क द गार्ड टू लेट हिम मीट द किंग दे रिफ्यूज दे फोर ही बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली ऑन हियरिंग दिस लाउड सॉन्ग द किंग सेंट हिज मैसेजर टू कॉल हिम इन द कोट एक्सप्लेन वाई नो वन सिम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिलसा फिश विच गोपाल हैज बोट गोपाल जब हिल्सा फिश खरीद कर आ रहा था तो कोई हिलसा फिश के बारे में बात क्यों नहीं किया क्योंकि वह स्वयं ऐसे अपने आप को बना लिया था कि सभी लोगों का अटेंशन जो था फोकस जो था वो गोपाल पे था फीस पे नहीं था यही कारण था कि कोई उसके बारे में बात नहीं किया बल्कि उसके अपियरेंस के बारे में उसके रेडिकुलस फैशन के बारे में सोच रहा था ट्रू और फॉल्स है द किंग लॉस्ट इज टेम्पर इजली ट्रू गोपाल वॉज अ मैड मैन फॉल्स गोपाल वॉज अ ग्लेवर मैन ट्रू गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ फॉल्स द किंग गॉट एंग्री वेन ही वॉज सॉन टू बी रॉन्ग फॉल्स एंड नेक्स्ट वॉकिंग विथ द लैंग्वेज आपको ये सारे जो फिल इन द ब्लैंग्स हैं वो अपने बुक से कंप्लीट करने हैं इसका आंसर आपके पाँचों का यहाँ दिया हुआ है आपको पूरा कर लेना है ओके एंड नेक्स्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई टूकिंग लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी दैन यूज देम इन सेंटेंसेज ऑफ यूर ओन चैलेंज Mastic, comical, courtier, smirking. Here is your words and the sentences. Okay? You have to complete it. That's all.